हेलो दोस्तों, मैं हूँ एक होम मेकर और स्वागत है आपका मेरी डायरी में। 21 जनवरी 2020, पता है मेरा हैप्पी बर्थडे आने वाला है। हाँ, बस 1-2-7 महीने में आने ही वाला है। बचपन में बर्थडे पार्टी होती थी कोई इक्की दुक्की, पर नई ड्रेस खास दिन जरूर पहनती। स्कूल में मेलोडी कभी 5 स्टार और कभी किसमी चॉकलेट जरूर बांटती, बाकी सबको 1 और प्रिंसिपल सर टीचर्स को 2-2 देती। हैप्पी बर्थडे टू यू की क्लास में गूंज कितनी अच्छी लगती। दिन भर फ्रेंड से स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिलती और घर आने पर यम्मी यम्मी चीजें बनती। और फिर 35 साल बाद बचपन के जैसे आज भी मैं तो उतनी ही एक्साइटेड रहती हूँ। कौन सबसे पहले विश करता है इंतजार करती हूँ, पति देव को थोड़ी थोड़ी हिंट दे ही देती हूँ। 2-3 महीनों पहले से ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिस्ट भी थमा ही देती हूँ। तो क्या हुआ अगर 1 साल उम्र और बढ़ गई, शादी को 12 साल और 2 बच्चों की माँ भी हो गई, कभी सर कभी पैर कभी कमर भी दुख गई, चेहरे पर कहीं थोड़ी झाइया भी आ गई। पर सेलिब्रेशन छोटा हो या बड़ा, हैप्पी वाला बर्थडे तो हैप्पी ही होना चाहिए। और बड़े हो भी जाओ पर बचपना क्यों खोना चाहिए, है ना? अगर आपको ये कविता पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।